डॉलरों की अब यलगार, अब यहां पर अमरीकी सरमाया और डॉलर चाहे मशरिक से आए चाहे मगरिब से आए, वो यहूदियों का आलयकार है। आपने अगर वन डॉलर नोट का अगर कभी नक्शा देखा हो, उसके ऊपर जो सिग्निया बना हुआ है, जो निशान है, वो क्या है? पिरामिड, एहराम मिस्र, ये किनके लिए अहमियत रखते हैं? हजार हा यहूदियों का खून और उनकी हड्डियां इन पिरामिड्स के तले दबी हुई। जब ये एहराम बनाए गए थे, ये यहूदी वहां गुलामी के दौर में थे, बेगार इनसे ली जा रही थी। बड़े बड़े पत्थर जब गिरते थे तो पिसने वाले यहूदी होते थे। ये उनकी अपनी, जैसे हॉलोकास्ट, जैसे उन्होंने उसको अपना सिंबल बनाया हुआ है, इसी तरीके से पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, ये गोया के उनके उस जवाल का एक निशान है और उस पर एक आंख बनी हुई है, एक आंख, काने दज्जाल की आंख वो देख रही है। अजीब है ये सिंबल। नीचे लिखा हुआ है नोवस ऑर्डो सिक्लोरम, और ये दर हकीकत 1776 जो नीचे लिखा हुआ है वो रोमन हरूफ के अंदर, ये 1776 है जो मैं बता चुका हूं ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी विशॉप ने कायम किया था। आम दुनिया ये समझती है कि शायद ये अमेरिका का यौम आजादी है, सन आजादी है। ए यकुम मई, उस ऑर्डर ऑफ एल्यूमिनाटी की तासीस यकुम मई को हुई है। ये यकुम मई जो मनाया जाता है, धोखा ये दिया गया है कि ये शिकागो के जो मजदूर हैं उनकी यादगार है। हकीकत में ये यकुम मई और 1776 ऑर्डर ऑफ द एल्यूमिनाटी की तासीस की तारीख। डॉलर मेरे इस देश को नापाक ना करना, और मैं तो उन्हें दाद देता हूं, जो कुछ उन्होंने शायर कहते हैं उसको, जो साहिब शऊर है, उस साहिब शऊर ने जो मुशाहदा किया है कि डॉलर आएगा तो क्या आएगा हमारे यहां, मेरी तो फिक्र के अंदर रच बस गया है। पाकिस्तान के बारे में जब कहा था, ए आंधियो संभल के चलो इस दियार में, उम्मीद के चिराग जलाए हुए हैं हम, हमारी उम्मीदों के चिराग है ये, इस्लाम का गहवारा बनने वाली मुल्क है ये, इसको हमने कायम किया था इस्लाम के लिए, ये आंधियां न चले, इस मुल्क को हमने इस्लाम के चिराग जो है हमने इसमें रोशन किए हुए हैं। ए आंधियो संभल के चलो इस दियार में, उम्मीद के चिराग जलाए हुए हैं हम। बहरहाल ये तीसरा सैलाब है, नंगी सरमायादारी जिसकी फिर लानतें होती हैं, एक तरफ फक्र, एक तरफ एहतियाज, एक तरफ भूख, एक तरफ दौलत के अंबार। पहले भी हमारे यहां फर्क कम नहीं है, लेकिन अब जो होगा अगर ये बात पूरी हो गई तो वो नंगी सरमायादारी, और सरमायादारी ही दर हकीकत यहूद का सबसे बड़ा हथकंडा है। ये बैंकिंग का निजाम, ये सारा का सारा सूदी निजाम, ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, यही तो उनके सबसे बड़े इदारे हैं। तो वाकया ये है कि तीन तरफ से हम पर हमला हो रहा है। और ये सूद के बारे में क्या कहा था इकबाल ने, अजरेबा आखिर चमी जायद फितन, इस सूद के उम्मुल खबाइस के पेट से सिवाय फितनों के और क्या बरामद हो सकता है। कस नदानद लज्जत कर्ज हसन, किसी को कर्ज हसना की लज्जत याद नहीं रही। बगैर सूद के कर्ज दो, तुम्हारे पास फाजिल रखा हुआ है किसी भाई को दो कि वो अपनी माशी गाड़ी का पहिया चला ले, फिर असल वापस ले लेना। अगर इतनी हिम्मत नहीं है कि अंतसद्दकु फहुवा खैरुल लकुम, सदका ही कर दो तो सबसे अच्छा है, दे ही डालो अपना फाजिल सरमाया। यह सलून का माजा युनफिकून कुल लफ, मत रखो अपने पास, यह गंदगी है। लेकिन अगर बड़े ही कम हिम्मत हो तो कम से कम कर्ज हसना दो, अपनी असल रकम वापस लेना। कस न दानत कर्जते लज्जते कर्ज हसन, अजरेबा जहां तीरा दिल चू खिश्तो संग, इसलिए कि सूद के जरिए से इंसान के अंदर तारीकी फैल जाती है, दिल जो है ईंट के मानिंद पत्थर के मानिंद सख्त हो जाता है, कठोर। सुम्म कसत कुलूबकुम फही अकल हिजारत या वशद कसवा, आदमी दरिंदा बेदंदारो चंग, और इंसान बगैर इसके के भेड़ियों वाले दांत हो और भेड़ियों वाले पंजे हो भेड़िया बन जाता है। बहरहाल अब करने का काम क्या है उसको समझिए। इस पूरी सूरत हाल का मैंने आपके सामने नक्शा पेश कर दिया, एक तरफ मगरिब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो जीव वर्ल्ड ऑर्डर है, इस वक्त की सुप्रीम पावर ऑन अर्थ अमेरिका की सरपरस्ती में बड़ी तेजी के साथ हमला आवर है। दूसरी तरफ
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔